देखना शुरू कर चुके हैं सेवन न्यूज। मैं शिवांगी राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया, आप इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया देश की एक आवाज बन चुकी है। इसी सोशल मीडिया पर लगातार एक हफ्ते से कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है और कुछ भी पढ़ा जा रहा है। इसी सोशल मीडिया ने दिल्ली की हालत खराब कर दी और इसी सोशल मीडिया ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह तो हुई सोशल मीडिया के बाद, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी घमासान की। ज्योतिराज सिंधिया भारतीय राजनीति के मध्य प्रदेश के एक अहम स्तंभ के रूप में स्थापित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल आगमन पर गर्म जोश के साथ स्वागत कर डाला। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वह मेरे दोस्त हैं और मेरे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है। इनके खेमे के बीच विधायक कभी भी शिवराज के सर पर तारपोशी करा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े दिन पहले तब ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस का भगवान कहा करते थे, वहीं आज ज्योतिराज सिंधिया को गद्दारी का करार देते हुए उनके फोटो पर काली पोत रहे वो उनके पुतले जला रहे हैं। एक ही दिन में भगवान शैतान बन गया। अगर सिंधिया अपने सिद्धांत व सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कांग्रेस की नजर में यह गलत है, तो भैया अपने आप ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर जो सरकार बनाई थी वो क्या कोरोना वायरस की दवाई के आविष्कार के लिए बनाई थी? हमने समाचार शुरू होने से पहले सोशल मीडिया की बात की थी, अब उस सोशल मीडिया की बात करते हैं कि कल तक जो सिंधिया जी को अपना आका मानते थे वह उन्हें आज कांग्रेस का एक मामूली कार्यकर्ता मान रहे हैं, लेकिन हमें इससे क्या। वही एक और खबर कल दिन में यह भी आई कि प्रदेश में भी राम को न मानने वाले हनुमान आदरणीय मंत्री जीतू पटवारी जी बेंगलोर में पार्टी विधायकों को मनाने के लिए गए थे, लेकिन बेंगलोर पुलिस ने उनकी बड़ी मान मनवार करी। कांग्रेस के आला नेताओं का कहना है कि यह राजनीति का खनन है वो गलत है, पर यह कांग्रेस करे तो सब देश हित में होता है। चलिए यह भी हमें कहकर क्या काम, आज हमारे गुरुदेव के अखबार में सिंधिया के साइड इफेक्ट बताए गए, तो हमने भी सोचा कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर मिठाइयां बांट रहे, उनको नहीं पता कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। हम बात करते हैं जिले की। एक दो दिन में मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार बन जाएगी, उसके पश्चात सिंधिया समर्थक भाजपा में आए तो कैसा माहौल होगा? गौतम जी और मुकेश काला भाजपा की रैलियों में नजर आएंगे। राधेश्याम जी के दो बार हरा चुके हरदीप एक साथ ग्रामीण कार्यकर्ताओं को गले मिलाएंगे। अंशुल बेरा की ललित विश्वकर्मा के लिए क्या जिला पंचायत वार्ड 15 से प्रचार करेंगे? और हमारे राम कोटवानी जी उनके विरोधी विजय जी गुज्जर से मिलकर क्या नफा चलाएंगे? वही शामगढ़ से सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले बलवंत जी पवार किसी कांग्रेसी को माला कैसे पहनाएंगे? कैसे ये जिला विरोधियों को बचा पाएगा? हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ग्वालियर के बाद सिंधिया जी का सबसे बड़ा फ्रेंड्स क्लब निम्बज मंसूर जिले का है। जाते जाते एक बात और बताते कि सिंधिया जी कांग्रेस में से तो आ गए, पर क्या बीजेपी में भी ऐसा ही कलेश शुरू होने वाला है? क्योंकि अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं, जिससे कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों का नाम सबसे आगे। वहीं उन बंसीलाल गुज्जर का क्या होगा जिनका राज्यसभा का टिकट सिंधिया जी को दे दिया है? वहीं सिंधिया जी ने भोपाल के मंच से गुज्जर जी को अच्छा संचालक कहा है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।